अकबर खान, ना जाने क्यों मुझे इमरान खान सब बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और वजीर आजम बने थे, वजीर आजम से पहले सदर भी बने थे, याद रखिएगा। और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उसके बाद मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया कि मैं उसकी फैन हो जाऊँ। फैन बनाना भी आसान काम तो नहीं होता ना, फॉलोअर बनाना भी तो आसान काम नहीं होता। खान साहब ने अपने फॉलोअर बनाए हैं, तो सियासतदानों को सीखना चाहिए कि उन्होंने फॉलोअर बनाए कैसे। एक इंसान जिसकी नीयत अच्छी होती है। खान साहब को हमारा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वीडियो नुकसान दे सकती है, लेकिन अब जो वीडियो पता चल रही है उसमें एक जो बात है जो तश्वीशनाक, वो ये है कि वो वीडियो किसी खातून के साथ नहीं है खान साहब की, वो किसी मर्द के साथ है। जी हाँ, किसी मर्द के साथ। जरा बता रहे हैं कि वो वीडियो है। और तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये क्लिप देखा, आप समझ गए होंगे कि इमरान खान का आ रहा है सेक्स वीडियो, लेकिन औरतों के साथ नहीं, मर्दों के साथ। अब लगता है इमरान खान इंस्पायर हैं खिलजी या बाबर वगैरह से, इस वजह से वो पूरे अपने शौक, नवाबी शौक पूरे कर रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम एक रियासत है, तो वो पाकिस्तान ऑब्वियसली अपने आप को एक मुगल एम्पायर या इस्लामिक रियासत समझ के पूरे ये वो वाले शौक फॉलो कर रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर। वो वीडियो क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। अब चीज़ ये देखें, खान साहब की वीडियोस होना कोई इशू नहीं है, उनकी वीडियोस हैं, उनकी ऑडियोज भी हैं। हमें 2016-17 में भी एक बड़े ही पीटीआई के लाडले एक जर्नलिस्ट हैं, एक बाबा जी, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखी थी एक इमरान की वीडियो, लेकिन कोई नहीं, खैर है, इमरान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस जमाने से इनकी वीडियोस बनी हुई है। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी वीडियो तब बनी, तब मेरे किरदार कुशी का फैसला हुआ जब पता चला कि इमरान कंट्रोल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि उनकी ये जो अब आ रही है वीडियो, ये उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की है। तो किससे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे? अपोजिशन तो ऐसा नहीं है कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन का, तो इसमें नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं कि ये नून लीग नहीं, कुछ और लोग हैं जो ला रहे हैं। अब बात यह है कि इसमें उन चौधरी साहब के भी नाम आ रहा है कि सारी बात, इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं और इन राजो न्याज की, इन जिसे कहते हैं वो खिलवत की महफिलों के वो हिस्सा रहे हैं, गवा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऐसे बहुत से लोग करीब रहे हैं जो उनकी खिलवत की महफिलों के गवाह हैं। उसमें ज़राए फैसल वाडा का नाम भी लेते हैं, अनिल मुसरत का नाम भी लिया जाता है, ज़राए से चीकू का नाम ज़राए लेते हैं, जुल्फी बुखारी का ज़राए नाम लेते हैं, तो दे आर लाइक शहबाज गिल का ज़राए नाम लेते हैं, ये लाइक मुराद सईद का नाम लेते हैं, ये देर लाइक इनर सर्कल ऑफ आईके जिसमें चलता ही सब कुछ है। और कुछ ख़वातीन के नाम भी आते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए, हम ख़वातीन के नाम नहीं लेते। अब जब हमने पूछा कि ये क्या है वीडियो, कैसे है, क्या है, तो पाकिस्तानी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली खवातीन के साथ अगर आपका शादी से बाहर भी कोई ताल्लुक हो, तो फिर भी लोग किसी ना किसी हद तक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, वो नून लीग के ही कैप्टन सफदर साहब हैं, मरियम नवाज साहब अगर शोर, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उनसे किसी ने सवाल किया कि नहीं वो वीडियोस, उन्होंने कहा यार देखो, जिस सियासत में यकीन रखते हो, जिस नज़रिए पर यकीन रखते हो, उस पर कायम रहो। वीडियो सबकी होती हैं, आती हैं जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोई खान साहब को हमारा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वीडियो नुकसान दे सकती है, लेकिन अब जो वीडियो पता चल रही है उसमें एक जो बात है जो तश्वीशनाक, वो ये है कि वो वीडियो किसी खातून के साथ नहीं है खान साहब की, वो किसी मर्द के साथ है। जी हाँ, किसी मर्द के साथ। जरा बता रहे हैं कि वो वीडियो है, और उस वीडियो का, क्योंकि पीटीआई वाले लगे हुए हैं कि जाली वीडियो, जाली वीडियो, पहले से प्रियम्प्ट करके उसको प्ले डाउन करने के लिए, ताकि जो उनके वो बकौल मुस्तफा चौधरी और मुर्तजा चौधरी और फैसल चौधरी के इमरान्डू के चूहे जिनके सरों पे वो लोहे का खोल चढ़ा हुआ, तो उनको कुछ समझ नहीं आता जो इमरान कहता है, वो कहते हैं हाँ ये ठीक कह रहा है, बाकी सब बकवास कर रहे हैं। तो वो जो इमरान्डू के चूहे हैं, उनके जहनों में तो इमरान खान साहब और पीटीआई के लोग डाल रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे लीडर की डॉक्टर्ड वीडियो आ रही है।
लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि उस वीडियो का हुकूमत भी और इदारे भी फैसला कर चुके हैं, उसका फॉरेंसिक करवा चुके हैं, बिरूने मुल्क से मुख्तलिफ फॉरेंसिक फर्म से, और उन फॉरेंसिक फर्म्स ने उस उन वीडियोस को अथेंटिक करार दिया है, और उसमें मौजूद इमरान खान साहब को और उनके पार्टनर को उन्होंने वेरीफाई किया है कि ये वही हैं, ये जेन्युइन वीडियो है और ये असल में ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है। तो अब क्योंकि वीडियोस एक से ज़्यादा हैं हमारे, ज़रा ये बता रहे हैं, हमें किसी ने दो पिक्चर्स भी भेजी गुज़िश्ता रोज़ कि ये मुबीना तौर पे उन वीडियोस की पिक्चर्स हैं उसमें मौजूद किरदारों की। हमने वो तो वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे ज़राए ने तस्दीक नहीं की कि ये कोई ऐसी खान साहब की वीडियोस की, जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी पिक्चर्स हैं। लेकिन अब ज़रा ये ज़रूर बता रहे हैं, अब ये देखना है कि कौन सी उनकी वीडियो जारी होगी, कैसे होगी। लेकिन जो सबसे जो उसमें परेशान कुन और तशवीशनाक है वो है खान साहब की मर्द के साथ वीडियो। दिस इज़ समथिंग बहुत ही, कम अज़ कम मेरे जैसे शख्स के लिए बहुत डैमेजिंग होगा कि अगर किसी की ऐसी मर्द के साथ वीडियो आ जाए। अब उसमें चीज़ ये है कि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये एक सीरीज ऑफ वो है जिसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम अगर असूली तौर पे देखें तो हम ये समझते हैं ये वीडियोस कल्चर एक घटिया चीज़ है। ये मत कीजिए, सियासत को इस तरह से गंदा मत कीजिए, ये मत लोगों को ब्लैकमेल कीजिए, सियासतदानों की किरदार कशी वीडियोस से कीजिए, सब कुछ कीजिए, छोड़ दीजिए, चलने दीजिए सियासत, लोगों को अपनी सियासी मौत मरने दीजिए, उनको किरदार कुशी करके गैर आइनी तरीकों से हटा के, सियासी जमातें तोड़ के, सियासी जमातें जोड़ के मत लोगों को खड़ा कीजिए और लोगों को ख़त्म कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के ये पत्रकार, हालांकि मैं बता दूं आपको, इस पाकिस्तानी पत्रकार की बहुत गंदी पिटाई हुई थी इमरान खान के दौर पे। इसकी वजह से हामिद मीर, जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उसकी जॉब गई थी, बहुत दिनों तक उसकी जॉब गई थी। वो अपने ही चैनल से ऑफ एयर हो गया था क्योंकि वो इसके लिए खड़ा हुआ था। तो दोस्तों आपने ये क्लिप देखा, आप समझ गए होंगे कि इमरान खान की जो टीम है, मैं 2 दिन से पाकिस्तान का ट्विटर ट्रेंडिंग सेक्शन चेक कर रहा हूँ, पाकिस्तान का ट्विटर फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ। पाकिस्तान के जो इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर है, वो पहले से ही बोल रहे हैं कि एक फेक वीडियो आने वाली है, एक फेक वीडियो आने वाली है। जैसा कि इसने एक्सप्लेन किया, आप समझ गए होंगे कि वो तैयार है इस चीज़ को लेकर। लेकिन शायद वो सोच रहे होंगे कि फेक वीडियो आने वाली है किसी लेडी के साथ, लेकिन अब ऐसा बोला जा रहा है कि इमरान खान की वीडियो आने वाली है किसी मर्द के साथ। तो आप समझ सकते हो यार दोस्तों, यार अब हिस्ट्री आप देखो, अगर मतलब जो भी मतलब मुस्लिम रूलर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट में, हिस्से में, कई जगह, बख्तियार खिलजी नहीं, खिलजी अलाउद्दीन खिलजी हो, या बाबर हो, या कई ऐसे रूलर हैं जिनके, लखनऊ के कई नवाब हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस तरीके का काम करते थे जिस तरीके का इमरान खान का वीडियो आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि इंस्पायरिंग इमरान वहीं से है, ऐसा कुछ सीन। अब आप समझ सकते हो, और अगर ये वीडियो आ गया, और डेफिनेटली इमरान खान के सपोर्टर बोलेंगे कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडिट किया। जैसे आपको याद होगा एक गुजरात चुनाव हुए थे, जब उससे पहले हार्दिक पटेल ही शायद है वो, हार्दिक पटेल का एक वीडियो आया था जिनको बोला गया था कि ये टेक्नोलॉजी से यूज़ किया गया, लेकिन वो वीडियो बिल्कुल रियल थे। आप माने ना माने, आप चेक करें उसको लेकर जो मतलब टीम बनाई गई थी बाद में, जिसने चेक किया था फैक्ट फाइंडिंग में, वो वीडियो रियल बोले गए थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई पॉलिटिशियन है, फेक बोल दिया, कुछ कोई उखाड़ नहीं सकता, एडिटेड है, ये है, डॉक्टेड है। इसी तरीका के इमरान खान भी सीन रिपीट कर देंगे और होने इनका कुछ वाला है नहीं। आपको क्या लगता है ये वीडियो देखने के बाद, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो आएगा तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे वो वीडियो नहीं मिलेगा, ट्विटर पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर